मैं परम सम्मानित डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ 20 मिनट के अंतर्गत अपना उपदेश उद्बोधन रखने की दया करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए। सदगुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चक्षुषः चैव योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं चैव तस्मै बुद्धात्मने नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा, परमात्मा स्वरूप सद तत्वदर्शी सदगुरु महाराज को सत्सत नमन करके आज के जो गीता जयंती का कार्यक्रम है उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस सदगुरु दरबार में विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ विज्ञानी बंधुगण, ज्ञानी जन, धर्म प्रेमी जन, मानस प्रेमी जन, जहां तक की आवाज जा रहा है समस्त ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबों के श्री चरणों में सत्सत नमन है, वंदन प्रणाम है। आज गीता जयंती है। आज ही के दिन गीता का आविर्भाव हुआ था। भगवान कृष्ण चंद्र महाराज आज ही के दिन यानी अघन एकादशी के दिन युद्ध क्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण चंद्र महाराज को ज्ञान ने गीता ज्ञान कहना पड़ गया, बताना पड़ गया। पर मैंने क्यों बताना पड़ गया? युद्ध क्षेत्र के बीच में लड़ाई चालू है, इधर महाभारत की लड़ाई चालू होने वाला है। अर्जुन महाराज को विषाद हो गया, मोह हो गया। युद्ध क्षेत्र मैदान में तजा धनुष अरुबान, कहा कृष्ण ने धनुष उठाओ अरे बनो वीर बलवान। तुम युद्ध क्षेत्र में अर्जुन महाराज को बने मोह हो गया, व्यामोह हो गया। कैसे हो गया? बड़े बड़े वीर सामने में हैं, भीष्म पितामह हैं, कौरव के जितने सब भाई सब हैं, बहुत से लोग हैं, गुरुदेव भाई सामने में खड़ा हुआ है, कैसे इनके ऊपर बाण चला हूं? व्यामोह व्यतीत जब हुआ पार्थ रण में व्याकुलता भारी, व्यामोह व्यथित जब हुआ पार्थ रण में व्याकुलता भारी, अरे स्वजनों को खड़े विपक्ष लखा तब बोले युद्ध मझारी, हे कृष्ण मुझे दिख रहा और रण कर फल विपरीता, गीतामृत सार पुनीता, यह अमृत सार पुनीता, श्री कृष्ण चंद्र के मुख से निकसी अरे जगहित श्रीमद भगवत गीता, यह अमृत सार पुनीता। सारे जगत के लिए अमृत के समान जो वाणी भगवान कृष्ण चंद्र महाराज ने दिया वो गीता के रूप में आज है हमारे पास। हैं सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन,
वत्सो पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। श्लोक है महत्वपूर्ण श्लोक महात्म गीता महात्म में। सर्वोपनिषद दो गाओ, जितने भी धर्मशास्त्र उपनिषद बने वो गाय के समान। सर्वोपनिषद दो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी ग्वाला के समान है। दूध दुहने वाले को ग्वाला कहते हैं। दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स, अर्जुन महाराज जो है बछड़े के रूप में है। सुधीर भोक्ता, उसके भोगने वाले और दूध के प्राप्त करने वाले सुधीर हैं। दुग्धम गीता अमृतम, इस प्रकार से दुग्ध रूपी गीता अमृत भगवान कृष्णचंद महाराज ने युद्ध क्षेत्र के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में पार्थ ने तजा धनुष अरुबान, कहा कृष्ण ने शस्त्र उठाओ अरे बनो वीर बलवान। व्यामोह हो गया है अर्जुन महाराज को देख करके, करे जिस गुरुदेव ने मुझे इतना भारी ज्ञान दिया, आज तो मुझे यही स्थिति आ गई किसी पर मुझको बाण चलाना पड़ेगा। जिस पितामह ने मुझे बाल्यकाल में गोद में लिया, पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, उसी को आज मेरे को मारना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, अपनों के प्रति जब लड़ना होता है आत्मरूप सज्जनों, तब आदमी को सोचना पड़ जाता है। अर्जुन महाराज को व्यामोह हो गया। गुरुदेव लिखते हैं कि व्यामोह अव्यथित जब हुआ पार्थ, रण में व्याकुलता भारी, स्वजनों को खड़े विपक्ष लखा, तब बोले युद्ध मझारी, हे कृष्ण मुझे दिख रहा निरंतर, अरे रण कर फल विपरीता, यह अमृत सार पुनीता, दुग्धामृत सार पुनीता, श्री कृष्ण चंद्र के मुख से निकली जगहित भगवत गीता, दुग्धामृत सार पुनीता, यह अमृत सार पुनीता। पूज्य गुरुदेव आचार्य छेदीलाल जी महाराज को बनाया हुआ यह पद है। तो अर्जुन को व्यामोह हो गया, तो भगवान कृष्ण महाराज को गीता का ज्ञान कहना पड़ गया। आज हमारे सामने में 18 अध्याय में है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृत वर्षणिं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्बताम अनुसंधान भगवद्गीते भवदेशनी। ओम पार्थाय प्रतिबोधता, जिसको भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने पार्थ यानी अर्जुन के प्रति कहा। भगवता नारायणी स्वयं भगवान श्री नारायण भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने, व्यासेन ग्रंथ जिसको व्यास जी महाराज ने ग्रंथिता माने ग्रंथ के रूप में बना करके, जो कि पुराणों का बनाने वाला मुनि है। मध्ये महाभारतम, महाभारत के बीच में भीष्म पर्व है आत्मरूप सज्जनों। युद्ध जब होता है, महाभारत का युद्ध होता है, वो भीष्म पर्व के अंतर्गत होता है। तो भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेकर के 42 तक गण के देख लीजिए, 18 अध्याय है। अद्वैत अमृत वर्षणी, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली गीता। अष्टादश अध्याय 18 अध्याय है जिसके। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, अम्बताम सनुसंधान भगवद गीते भवदेशनी, भाव रूपी भय को हरण करने वाली है। विचित्र बात, इसलिए पूज्य ने गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे गीता के रहते हुए हम कितने दुखी हैं। आज गीता शब्दों में सुनाया जाता है, गीता के ज्ञान के गहराई में कोई नहीं जाता। गहराई को बताने वाले तो नौवा सरकार आ गया ना, मायानंद चैतन्य महाराज, तब कहीं समझ में आया प्रयोग के माध्यम से। उसके पहले क्योंकि भैया जी बता रहे थे, संजय प्रश्न नहीं किया 11वें अध्याय में कि दिव्य दृष्टि कैसा होता है, क्या होता है। और इसलिए भगवत गीता में दिव्य दृष्टि क्या है, कैसा है, कोई विस्तार से कोई वर्णन नहीं, इतना जरूर लिख दिया। 11वें अध्याय का नाम क्या है, विश्वरूप दर्शन योग। न तुम माम सत्य से द्रष्टुम मने नहीं स्वचक्षुषा,
दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम् न तु माम शक्य से द्रष्टुम्। हे अर्जुन, तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता। न तु माम शक्य से द्रष्टुम्, मने नहीं उस चक्षु सा अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकता मुझे। दिव्यं ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। पश्चिमे योग में श्रम तुम मुझ, तब फिर तुम मुझे योगेश्वर के दर्शन कर सकते। बस इतना लिखा है। उसके बाद उस पूर्ति को भगवान मायानंद चैतन्य महाराज ने घोर कली काल में आकर के, क्योंकि चतुर्युग मालिका में कृतम त्रेता द्वापरम तथा कलिश्चेति चतुर्युगम अनेन क्रम योगेन भूमि प्राणेषु वर्तते, ऐसा भागवत में श्लोक आया है। चार युग होते हैं, त्रेता यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। उसमें चतुर्युग मालिका में 10 अवतार होते हैं भैया। अब प्रश्न है, 10 ही अवतार क्यों होते हैं? यो तो 24 अवतार बताया गया है ना। 24 में 14 को उप अवतार और 10 को अवतार की श्रेणी में लिया गया है। तो 10 अवतार क्यों होते हैं? क्योंकि चराचर सृष्टि में परमात्मा 10 अंगों से ही व्यापा है, इसलिए 10 अवतार। ओम सहस्र सरसा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विश्व तो वेद मंत्र में लिख दिया। वो परमात्मा 10 अंगों से विराजमान है जी, इसलिए उस परमपिता परमात्मा के 10 ही अवतार होते। मत्स्य कुर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की दशम तथा स्मृता एते 10 अवतारस्य पृथिव्यां परकीर्तितः। 10 अवतार होते हैं। तो भ्रम को दूर करने के लिए अर्जुन जैसा प्रकांड विद्वान है बताने वाला ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण का उम्र उस समय 75 वर्ष का था और अर्जुन महाराज का उम्र जो है 70 वर्ष का था, और रोज एक साथ खेलते खाते थे। पर कृष्ण महाराज को, कृष्णचंद्र महाराज को अभी तक की नहीं जान पाया था, अटक गया गाड़ी, फिर जानना पड़ गया उसको। अरे भैया लोगों ने बताया ना कि तुम मुझे नहीं जानते, नाता रिश्ता की दृष्टि से जानते हो, ज्यादा से ज्यादा साल आने डेढ़ साल की दृष्टि से जानते हो, अथवा भाई की दृष्टि से जानते हो, पर तत्वतः तुम मुझको नहीं जानते। भगवान कृष्ण जब बताना शुरू किया ना, तब फिर 11वें अध्याय में कहते कि महाराज आपको आगे से प्रणाम पीछे से प्रणाम, मैं तो आप जैसे महापुरुष को न जाने क्या क्या अनजाने में कह दिया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र। हे अर्जुन, गीता के 6वां अध्याय आत्मसंयम योग, जिसका तीसरा मैंने 30 नंबर का श्लोक में कहते हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र, हे अर्जुन जो मुझे सब में देखता है, चराचर सृष्टि में देखता है और चराचर सृष्टि को मेरे अंतर्गत देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं छिपा नहीं हूं, वो मेरे लिए छिपा नहीं हूं। वो भक्त, ऐसा भक्त जो है अपने प्रभु को खुले नयन से देखता है। और इसलिए कबीरदास को कहना पड़ गया कि खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो आखन मुंदो कानन रुंधो तनिक कष्ट नहीं धारो और खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली। अरे गुरु परताप जा दिन ते लागी दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि भली। अपनी उच्च अवस्था को बता रहे हैं कबीरदास जी महाराज। आंखन मुंदो, मुझे आंख कान को चपकने की जरूरत नहीं है, जैसा आज बताया जाता है ना, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने कुछ स्थिति को बता रहे हैं कि मुझको कान को ऐसा बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख को ऐसा बंद करने की जरूरत नहीं, तो मैं तो अपने प्रभु को तो बिल्कुल खुले नयन से देख रहा हूं। ये भी स्वरूप तो है भाई, सब तो देख है, पर इस ज्ञान के बगैर ये देख दिया दिखना और देखना संभव है असंभव है, यही तो सदगुरु की महानता है ना भाई।
कृष्णचंद्र महाराज ने लक्ष्य करा दिया कि भैया जिसको तुम भटक रहे हो ना, ये चराचर सृष्टि है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। 13वां अध्याय के 27वां श्लोक। समम सर्वेशु भूतेषु चराचर सृष्टि में परमात्मा लबालब भरा हुआ है, उसमें कोई खाली नहीं है। तिष्ठन्तं परमेश्वरं, तिष्ठन्तं यानी बैठा हुआ है, विराजमान है वो। विनश्यस्य अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ऐसे परिवर्तनशील में, ऐसे विनाशी में, जो उस परम पिता परमात्मा का विनाशी स्वरूप को जान लेता है, मुक्ति उसी को प्राप्त होता है। तो मुक्ति करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं भैया जी, बता रहे हैं नहीं? मुक्ति तो तब होगा जब इस ज्ञान को प्राप्त करके सात भूमिका आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तब आपकी मुक्ति ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से व्यामोह होकर के, व्यथित होकर के, दुखी होकर कृष्णचंद्र महाराज जब व्याकुल हो जाते हैं, तो युद्ध क्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्णचंद्र महाराज है ना, फिर गीता का ज्ञान देते हैं, जिसको किसी ने बड़ा सुंदर भाव से लिखा है, अरे तुमने हमें कन्हैया, एक भाव है, किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, अरे तुमने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया है, अरे गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है, गीता का ज्ञान देकर अरे जीना सिखा दिया है। जी तो रहे थे लेकिन पशु के समान जी रहे थे हम अभी तक, पर आज सदगुरु की कृपा से इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अनुभव बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान देकर जीना सिखा दिया है, जीना सिखा दिया है, अरे तुमने हमें कन्हैया, गीता के ऊपर लिखा है उसने, अरे तुमने हमें कन्हैया, हे कन्हैया हे भगवान रास्ता दिखा दिया है। रास्ता हमको आपने दिखा दिया, हम तो अभी भटक रहे थे ना। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है, भाई अमृत पान करने से क्या होता है, अमरता प्राप्त होता है ना। पर यहां एक प्रश्न है, आज तक कोई ऐसा अमृत नहीं मिला हमको जिसको पी करके आदमी अमर हो जाए, लेकिन अमृत किसको कहा गया? अरे अमृत को कहां ढूंढता, अमृत हरि का नाम, सब ही सुलभ सब ठोर है, कौड़ी न लागे दाम, सियावरे रामचंद्र की जय। परमात्मा का नाम अमृत है भैया, अमृत कहते हैं इस प्रभु को प्राप्त कर लेने पर हैं, अमरता को प्राप्त हो जाता है आदमी जो है। ये विश्व रूप भगवान है, यही व्यापक विश्व और रूप भगवाना, तही धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगत नहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। व्यापक विश्व रूप भगवान, यही विश्व रूप भगवान है। आप उठा करके देखिए, गीता के 11वें अध्याय का नाम ही विश्व रूप दर्शन योग है। उसमें विश्व रूप का दर्शन प्राप्त करने के बाद अर्जुन महाराज स्वीकार करते हैं कि महाराज मैं आपके स्वरूप को जान गया। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनंत भुजाओं से युक्त, अनंत बाहुओं से युक्त, अनंत भुजाओं से युक्त, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम, अनंत आपके मुख हैं, पैर हैं। पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, पश्यामि यानी वर्तमान काल में आपको देख रहा हूं, सर्वतो अनंत रूप, अनंत रूपों में देख रहा, देख लीजिए ना, अंत भी अनंत विस्तार युक्त है ये विश्व परमात्मा, उसी को अपना अनुभव बता रहे हैं कि अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि यानी देख रहा हूं, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप भगवान आपका मैं दर्शन कर रहा हूं, स्वीकार करता है।
ग्यारहवें अध्याय के 16वां नंबर की श्लोक, ये विश्वरूप भगवान है, इसी को बताने के लिए ये घोर कली काल में आ गया नवा सरकार है। क्योंकि भाई धर्म हानि जब होता है ना, जब जब हो धर्म कहे हानि, अबाढ़ सुर भमी अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। राम के बाद जब धर्म जब ग्लानी हो गया तो कृष्णचंद्र महाराज को आना पड़ गया, और कृष्णचंद्र महाराज के बाद जाने के बाद अब धर्म ग्लानी हो रहा है, तो नौवा सरकार आ गया और बता दिया कि विश्वरूप परमेश्वर ही है, विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है, सदगुरु पद छोजता नहीं है, सो अज्ञानी है, भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है, विश्व रूप परमेश्वर ही है। भगवान महानंद कहते हैं अपने भजन में, विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही। अरे इसको कहां खोज रहे भाई, विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है, उसको इधर उधर खोजना बेकार बात है। तो विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है, तो करना क्या है? अरे सदगुरु पद खोजता नहीं है, सो अज्ञानी है, भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहो सो देख सको अनुभव ने छानी है। ये विश्वरूप परमात्मा है, इसको जान करके अपने वर्ण के अनुसार यतः प्रवृत्ति भूत आराम। भगवान कृष्णचंद्र महाराज गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं कि यथा प्रवृत्ति भूताना, जिससे चराचर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और चराचर सृष्टि में जो परमात्मा विराजमान है, स्वकर्मण अपने स्वकर्म के द्वारा, स्वकर्म किसको कहते हैं? समय का अभाव, टाइम पूरा हो गया है, स्वकर्मणा यानी अपने बने अपने वर्ण कर्म में आरूढ़ होकर के, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तम यानी परमात्मा की सेवा करो, ऐसा करके सिद्धि बिंदत मानव, मानव सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो मानव जीवन को सफल करने के लिए आत्म सज्जनों मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये ज्ञान घोर कलिकाल में सबसे बड़ा ज्ञान है, इसी को अध्यात्म विद्या कहा गया है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, कबीरदास ने इसी को आत्मज्ञान कहा है, यही ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से ही आदि भव रूपी सागर से तरता है, ये विश्वरूप परमात्मा है, हम इसकी सेवा करें। इतना कहते हुए पुनः आप सब के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए यही पर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय।